जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं शकील खां। तो आज जैसा कि वाक़ हुआ है हमारे थाना और शरीफ के हदूद में शराब नोशी और शराब नोशी की वजह से दो अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8 से 10 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तो ये हमारी पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक क्या काम किया है? इनका काम है कि माशराती जो जराइम है उनको ख़त्म करना। क्या अभी तक वो जराइम ख़त्म नहीं हो चुके हमारे माशरे से? तो ये इस पर बात करते हैं हमारे सीनियर साफ़ी अहमद सलमान साहब से। जी सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने एक दफ़ा फिर इजहार राय का मौका फराहम किया। अवामी प्लेटफार्म के तमाम सुनने वालों के लिए एक बार फिर हम लोग हाजिर हुए। बदकिस्मती से ये जो सानिया रूनुमा हुआ है इसमें दो जानों के ज़िया पर इस वक्त पूरे इलाके में जो सोगवारी कैफियत है वो तो उसका दुख और गम इस वक्त जो लोग महसूस कर रहे हैं या जिन पर ये बीता है अमल वही बता सकते हैं। खाली तौर पर हम लोग सिर्फ इस चीज़ की कंडेमिनेशन के ज़ुमरे में जा सकते हैं कि ये एक बहुत बुरा अमल है जो हमारे ही रूरल बेल्ट पे रूनुमा होने की हिस्ट्री रखता है। पीछे से अगर देखा जाए बहुत बड़ी तारीख है इसके पीछे। हर इवेंट पे चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो या कोई खुशी के और त्यौहार आते हैं तो ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल बेल्ट्स हैं ना वहाँ के लोगों का एक ये तुरा इम्तियाज़ बन चुका है कि कच्ची पट्टियों की जो शराबें, क्योंकि निजी लेवल पे कशीद करने का जो ये आर्ट है ये आजकल सभी लोगों के पास आ चुका है। तो इसके जो सामान और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाज़ार में आम मिल जाते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों का महबूब मशगला भी बन गया है कि इसको बनाते हैं। और बदकिस्मती पे इस्तेमाल भी खुद करना, अमल करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन खुद पे करते हैं, अप्लाई खुद पे करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे भी ये सुनने को आया है कि दो अफराद जहाँ भाग हुए हैं और 8 से 10 की जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो वो जो है ना इस वक्त रेफ़र किया गया और उनकी हालत जो तशवीशनाक बताई जाती है तकलीफ दह अमल है। दिल सुनता है, बड़ा एक कर्ब महसूस होता है कि महकमे पुलिस के तावुन के बगैर मुआशरे में मंशियात फरोश कैसे पनप सकते हैं। हाउ कैन पॉसिबल कि एक इलाके का जो सिटिंग SHO है उसको या उसकी नीचे जो कोऑर्डिनेट जो टीम होती है उसको पता नहीं होता कि इलाके में कौन बंदा क्या कर सकता है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को 110%। जहाँ पे आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अनासर की निशानदेही करें, वहाँ पे पुलिस का यही ख़ास तौर पे काम है कि इन इवेंट से पहले क्रैकडाउन किया जाए। ऐसी मंडियों, भट्टियों, ऐसी सप्लायर्स, होलसेलर, दुकानदारों को पाबंद सलासल किया जाए ताकि खुशी के मौाक़ों पर, त्यौहारों के मौाक़ों पर ऐसी मनहूस खबरें सुनने को ना मिलें। और सबसे बड़ी बात इस वक्त हमारे लिए तकलीफ दे है कि जिनके घरों के ये सबूत आज हम में नहीं रहे, ये दुख और तकलीफ़ वो महसूस कर रहे हैं। पुलिस को, मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस मामले की संगीनी पर डीपली सोचना होगा। रही बात हम लोगों की बेहिसी की, तो वो अजल से ही समझ लें हम लोग अपना ये खासा रखते हैं कि जो भी सानिया होता है उस पर हम 2-4 दिन बात करते हैं फिर हम भूल जाते हैं और साइकोलॉजिकली हम एक नए वाक़े के इंतज़ार में जो ज़िंदगी स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख़्याल में हमें इस रवैश को तर्क करना होगा और बहैसियत एक इज्तमाई मुआशरे के एक मुअज़्ज़ज़ बाइज़्ज़त पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें अपने फ़राइज़ में ये चीज़ इंक्लूड करनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो इस किस्म की अनहेल्थी एक्सरसाइज हो रही है हमें कम अज़ कम पहले तो अपने तय उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों के हम राइट हैंडेड बने, उनको हम बतलाएँ और हमारे इलाके में इस किस्म की एक्टिविटीज़ बंद हों ताकि इस किस्म के जो अमवात के ख़ास तौर पर जो एक दिल खराश वाक़े आते हैं उनमें कमी आ सके। जी तो अगला सवाल करते हैं हम रश्मि मख्तर साहब से, उनसे पूछते हैं क्या वजह है? वो सीनियर भी हैं, सबको जानते भी हैं, क्यों नहीं अब तक ख़त्म हो रहा ये मंशियात की लानत, अब तक क्यों नहीं ख़त्म हो रही? आए रोज़ कोई ना कोई शराब पीने की वजह से हलाक हो जाता है तो कोई कुछ हो जाता है। तो हमारे शमी मख्तर साहब से पूछते हैं क्या वजह है? जी सर नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब शकील खान साहब, आपने फिर एक बार में मौका फ्राहम किया और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये हमारे मुआशरती बुराइयों में से एक बुराई है। तो सबसे पहले बात ये है कि भाई ये ड्रग्स के ख़िलाफ़ आज तक क्यों किसी ने कुछ नहीं किया?
ड्रग्स में ये अल्कोहल है या जिसे मंशात फरोशी कह लें आप, मंशात कह लें, तो ये पहले ये देखना होगा कि आया ये कशीद कहाँ पे होती है, आया वो किसी भी थाने के हदूद में हो, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हदूद में हो, क्या वो उनके दायरे अख्तियार में है या नहीं, अगर है तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, किसी ऐसे सानिया के इंतज़ार में क्यों रहते हैं कि कोई ऐसा सानिया कोई वाकया रूनुमा हो जाए। देखें कोई आजकल के हिसाब से जिस तरह का दौर चल रहा है तो ये अच्छी बात तो नहीं है कहना, लेकिन अब ये भी फैशन बनता जा रहा है इस तरह की पार्टीज़ या दोस्तों में वो बैठ मिल बैठ के इस तरह की वो एक्टिविटी करना, तो आदमी को खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बात ये हो रही है कि भी जहाँ पे ये हो रही है ये मंशात फरोशी या शराब कशीद हो रही है, वहाँ के जो उसके इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, सिक्योरिटी के ब्रांच के लोग हैं, अच्छा दूसरी एजेंसीज भी हैं, अच्छा उसके अलावा पुलिस के अपने कोई जो है वो मुखबिर भी होते हैं, आया उनकी इतलात गलत हैं, झूठी हैं, या वो भी इस बुराई में शामिल हैं, वो मंथली लेते हैं या जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, कोई सियासी मुदाखलत है या कोई दूसरा वो क्या बासर वडेरा है, कौन है। ये तो ऐसे हो नहीं सकता ना कि कोई आपके मुआशरे में कुछ ऐसा जो है वो गलत एक्टिविटी हो रही है, कोई मंशात फरोशी हो रही है, दूसरे जो भी मुआशरती बुराइयाँ हैं वो हो रही हैं, और आप कहें कि भी हमें इल्म नहीं है, तो ये नामुमकिन है। अच्छा, जैसे ही वाकया ये कोई रूनमा हो जाता है, साल दो साल बाद, पाँच साल छः साल बाद, पूरा मुआशरा जाग जाता है, सबको हर चीज़ याद आ जाती है, कई इदारे भी याद जाते हैं, याद आ जाते हैं, और हर चीज़ याद आ जाती है, ज़िंदगी मौत और ये दूसरों के जो है वो सपूत और औलादें, ये सब कुछ सारे इदारे फिर हरकत में आ जाते हैं, तो ये इससे पहले क्यों नहीं किए जाते हैं। जैसे ये अहमद भाई ने कहा है कि भाई वो इदारे उस इवेंट का या उस क्या नाम है ईद उल अज़हा हो गई या ईद उल फितर हो गया, किसी ऐसे खुशी के मौके को इंतज़ार क्यों करते हैं कि भाई ये आए और ये ऐसा और हम कार्रवाई करें, क्या वो फिर वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए या फिर अपना जो है वो उसमें हिस्सा लेने के लिए, रिश्वत समझ लें आप जिसे या मंत्री समझ लें, वो लेने के लिए ये कार्रवाई करती है, कागजी सिर्फ हुकाम बाला को दिखाने के लिए। तो ये हुकाम बाला को भी सोचना चाहिए। और दूसरा, इनको देखें, कोई भी इनके जो है वो जो रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, जो भी नया वो SHO आता है, नया वो अफीसर ट्रांसफर हो के आता है, वो अपने थाने का या अपने जो है स्टेशन हाउस का जो है वो देखता है रिकॉर्ड, जो पीने वाले हैं जो है वो कहते हैं इनको उठा लो इनको उठा लो, वो उठा लिए जाते हैं। जो रिकॉर्ड याफ्ता अलावा हैं, जो छुपे रुस्तम हैं, वो किसी ना किसी आड़ में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये पहुंचते नहीं, या वो मंथलियों की वजह से नहीं पहुंचते, या जानबूझकर आंखें बंद किए रखते हैं ताकि वो हमारा हिस्सा हमें मिलता रहे। जी सर, तो हुकाम बाला के अब ये नोटिस आ गया, तो आप देखें ये पुलिस की गाड़ियाँ जो है ये बेट अहमद में या मौजा कच्ची लाल में जहाँ पर ये अमवात हुई है, सुनने में आया कि दो तो हो गए हैं अल्लाह के प्यारे हलाक हो गए हैं, और कुछ की हालत बहुत तशवीशनाक है, 8 हैं 10 हैं 12 हैं जितने भी हैं वो उनको रेफर भी किया जा चुका है भावलपुर में। इससे आपको याद होगा, इससे यह 2-4 साल पहले भी एक ऐसा वकूआ हुआ था, ये केमिकल मिला शराब वो बेची गई थी जिसमें 7-8-10 बंदे हलाक हुए थे। तो अब ये भी है, अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे इसके ऊपर बात वही। हाँ, इदारे सो रहे हैं ना, खामोश हैं, जो ये इंतज़ार में रहते हैं कि इस तरह का कोई मौका आए तो फिर हम वो फौरन हरकत में आ जाएं और ये कागजी कार्रवाई करके हुकाम बाला को भेज देते हैं, जी हम ये देखें जी हम हरकत में हैं। सवाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सर, ये सब खामोश बैठे रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं, उसके बाद ये जो है उसके ऊपर ये हाथ डालते हैं जो कर कुछ नहीं सकता, कोई टांगे वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया, रेहड़ी वाला हो गया, किसी ने पी हुई हो शराब तो उसके ऊपर ये हाथ डालते हैं, बेचने वाले पर हाथ नहीं डालते, ये पता नहीं क्या बात है। इनको कौन सी ये फिर बहाना बना लेते हैं, जी हमारे ये हाथ बांधे गए, ये सियासतदानों के ऊपर भी ब्लेमबाजी करते हैं। नहीं सर, थोड़ा सा आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें, थोड़ा सा इसकी डिटेल सुन लें। ये सियासत की आड़ लेके या सियासतदानों की आड़ लेके जी वो हमारे हैं उन्होंने हाथ बांधे, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। क्या कोई भी अब किसी भी हमारे शहर के MP हैं, MNA या कोई भी जो भी स्टेक होल्डर है हमारे शहर का, उसके पास चले जाएं तो आपको साफ लफ्ज़ में कहेगा यार हम इस मुआशरे की इस बुराई को हम सपोर्ट करते हैं, कतई नहीं।
तो ये सिर्फ एक रिश्वत और अपनी मंथली और अपना हिस्सा लेने का एक बहाना होता है दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के कि भी हम बरी उल्ज़िमा हो जाएं उनके ऊपर इल्ज़ाम चला जाए। असल सूरत हाल ये है शकील खान साहब, ठीक है, मुआशरे को ये भी सोचना चाहिए कि इनका भी हिसाब होना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर अगला सवाल करते हैं हमारे फैज़ल खान साहब से कि तलीम पर, कि तलीम पर कैसा है कि आप हर पाकिस्तानी जैसे कि मैट्रिक एफ ए बी ए करने के बाद बेरोज़गार है, क्या उसके बाद तलीम जो हासिल करता है उसके बाद या तो कोई रेट लगा लेता है या उसको कोई जॉब नहीं मिलती या फिर जो वक्त तो लगा चुका होता है वो ज़ाय हो जाता है, तो इस पर क्या तलीम हासिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम से पूछते हैं फैज़ल खान लगा साहब से। जी शुक्रिया शकील भाई, मैं आज पहली दफ़ा आपके साथ इधर बैठा हूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आपकी मोहब्बत आपके साथ और जनाब अहमद सलमान साहब के साथ और सर के साथ मैं बैठ रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि शकील भाई, तालीम हासिल का करने का मकसद कतई तौर पर जॉब तो नहीं होता, तालीम जो है माशरे में बेरहा रवि से हमें बचाती है बहुत से माशरती मसाइल, जैसा कि अभी आपने पहले इन दोनों भाइयों से कुछ बताया इन्होंने कि जो मशरती बुराइयाँ हैं उनको तालीम जो है ख़त्म करने में काफ़ी हद तक किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान है, बचपन से प्राइमरी से ही हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स आप कह लें मौजूद हैं, कम्यूनिटी की जो है इन्वॉल्वमेंट स्कूल की हद तक वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ना होने के बराबर है। महकमे की तरफ से बार बार मेरे को पता है कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें लेकिन कम्युनिटी इस हद तक वो आगे रिस्पांस ज़ीरो उनका मिलता है कि बहुत ही मुश्किल है। तो वो अब फिर कुछ अर्सा पहले एक गवर्नमेंट ने शुरू किया कि बच्चों को वज़ायफ देना शुरू किए और मुख्तलिफ स्कीम्स शुरू की ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आ सकें, लेकिन उसका भी इतना खातिर का जो है वो असर नहीं हुआ उस चीज़ को। तो पर वो कुछ अर्से के लिए आते हैं उसके बाद जो है वो फिर उसी रूटीन में वापस कर ले जाते हैं। रही बात ये जैसे ये शराब नोशी की वजह से जैसे हलाकें हुई हैं तो इनमें भी एक बड़ा जो किरदार है वो एक तालीम का फुकदान है। अगर ये लोग तालीम की अहमियत से अपना खास ना होते तो ये वाक़ात जो हैं इनकी रोकथाम हो सकती। दूसरा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे हमारे मदारिस हैं जिनमें के खुतबा होता है उसमें भी इस तरह के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की जानी चाहिए ताकि इस तरह के चीज़ें कम से कम हो सके। ठीक है सर, तो अगला सवाल करते हैं हमारे सीनियर साहब या अहमद सलमान साहब से, क्या ठीक है इदारों ने एक्शन लिया शराब नोशी करने वाले शराब फरोख्त करने को पकड़ लिया, तो फिर क्या ऐसा कानून पाकिस्तान में है कि उसको पकड़ लिया क्या उसको सजा भी होती है? नहीं, तो क्यों नहीं सजा होती? कानून बनाने वालों में गलती है या अदारों में गलती है, किन में गलती है, ये पूछते हैं हमारे सीनियर साफ़ी अहमद सलमान साहब से। जी सर, शकील भाई इस ज़मन में तो सिर्फ एक ही बात की जा सकती है कि लेजिस्लेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे सियासतदान हैं उनको इस मामले में एक ऐसा एक्शन प्लान मुरतब करते हुए कोई इस कैलिपर का लॉ जो है ना वो क्रिएशन की जानब लेके आना चाहिए जो इस एक गलत एक्टिविटी का रास्ता बंद कर दे मुस्तकिल बुनियादों पर। उसके लिए फिर मैं अपने भाई की बात को नेक्स्ट करूँगा कि अगर हमारी सियासी क़यादत ही पढ़ी लिखी होगी, एजुकेशन की मैं इम्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूँ, पढ़ी लिखी होगी जी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो इस किस्म की लेजिस्लेशन की जो है ना तरफदारी करेगी क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा फवायद की सूरत में या मुस्बत रुझान की सूरत में वो आवाम पे आएगा। तो इसका तो दी वन एंड ओनली सोल्यूशन के लेजिस्लेशन को प्रमोट करना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ सख्त से सख्त कवानीन ऑलरेडी हैं जो है ना 9C टाइप इसकी कोई लॉ में है, शराब में नहीं दफात वगैरह, नहीं मैं मंशियात की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे कोर्ट्स तक इस किस्म की जो FIRs परसू की जाती हैं वो मोस्टली लोग फिर वापस आ जाते हैं, हालांकि उनकी अगर आप लॉ की बुक्स का मुताला करें तो उनमें एक ऐसी दफात की जो सज़ाएँ हैं वो उम्र कैद, सज़ाए मौत या लंबी चौड़ी सज़ाएँ हैं, लेकिन शराब के लिहाज से तो नहीं है।
देखिए ओवरऑल मंशियात का कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी, तो ये कैटेगरीज में आ जाती है ना, जैसे अफ्यून पे कुछ डिफरेंट है, हीरोइन पे कुछ है, चर्स पे कुछ है, शराब पे कुछ है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी चीज़ें ये हराम हैं, इन पे तो फिर एक ही कदगन लगा दी जाए कि नशा नशा है, चाहे वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल पर है, उसका एक ही आर्टिकल लगना चाहिए। अगर बेसिकली हम लोग ब्रिटिश से जो है ना आज़ाद हुए हुए हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा कैटेगोरिकली था कि कुछ चीज़ों को वो अपने लिए हलाल और यानी कारामत तस्वर करते थे, किस चीज़ पे उन्होंने बैन करना था वो अपने लिए कुछ बना के रखते थे। आज तक हमारे पास भी वही चीज़ चल रही है। वक्त की ज़रूरत है मेरे ख्याल में इस वक्त कि हमें कवानीन की तरफ, नए कवानीन के मुतारफ़ होने की तरफ, हुकूमती रुझान को बढ़ने के अमल को तकिया दें। जी सर, जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उसमें शराब की जितनी भी शराब हो 3 माह बाद 2 माह बाद रिहाई मिल जाती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है, कानून भी नहीं है, कैसे? देखें यही तो कवानीन का फेलियर है ना कि एक बंदे से शराब बरामद हो जाती है, एक बंदा शराब के तैयारी में जो है ना वो मसरूफ था, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है, एक बंदा पीने वाला है, एक बंदा फरोख्त करने वाला है, एक ख़रीदने वाला है, इसकी भी स्टेजेस है ना। लेकिन जब ये पुलिस के हाथों FIR से क्रॉस होता है ना ये सेटअप, आगे बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारे ला में कोई सुकम पाया जाता है, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन का कोई ऐसा फेलियर है, या पुलिस डिपार्ट में कुछ ज़िमनियाँ जिसको लिखना कहते हैं, जो तफ्तीश के दायरा कार में आता है, कुछ वहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं। बहरहाल ओवरऑल एक गलत प्रैक्टिस जारी है और उसके रिजल्ट्स आज जैसे बेट अहमद में हुआ है ना, ये इसका कुल मिला के इज्तमाही तौर पर हमारा ये मुआशरे का फेस है। जी, जैसा कि हम प्रोग्राम चल रहे तो उसके दरमियान सियासी बात करते हैं, सियासी बात ये करते हैं कि मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब PTI से हैं और मखदूम सैयद समीर गिलानी साहब नून लीग की तरफ से हैं, तो क्या चाचा भतीजा एक सीट पर लड़ेंगे, ये कैसे सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे? तो हमारे समीर बता साहब। बड़ी मेहरबानी शकील साहब, आपने एकदम टॉपिक को तब्दील कर दिया है और मैं ये बरबला बिला जिजा के हज़ार रुपये का आपने मुझे फंसा दिया है, तो गुजारिश ये है, चलो ठीक है, आपका हक है जो भी सवाल करें। गुजारिश ये है कि पहले इसका बैकग्राउंड देखा जाए कि PTI में जो हजरात हैं मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब, वो कादावर शख्सियत हैं, पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम हो चुका है। समीर हसन गिलानी साहब हों नो डाउट वो भी कादावर शख्सियत है, और हमारे इस हलके में जो है वो NA 174 था पहले, अब 166 है, तो इसमें ये सूबाई 2 हलके आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई कादावर शख्सियात समझ लें या विनिंग पोजिशन के जो हजरात हैं वो खान वादा सादात गिलानी से ताल्लुक़ रखते हैं। सियासी ग्रिप इनकी कभी पूरे ज़िले पे थी, ज़िला कौंसल से लेकर चेयरमैन से लेकर और लोकल चेयरमैन तक, ये तमाम ये गिलानियों के पास था इक्तदार। इनकी आपस में ज़ाती रंजिश, चपकलिश, जायदादी विरासती कोई मसाइल हैं जो कुछ भी है उसके, वो एक अलहदा टॉपिक है, उसके ऊपर बहस नहीं करते जी। बात यह कि भाई समीर हसन गिलानी साहब ये जो आप मौजूदा MNA हैं, अब वो माशाल्लाह उनको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वो तालीम सकाफत और वर्षा का वो बनाया गया है, और सुना है अभी फ़िलहाल उन्हें वो फंड भी मिले हैं, तो वो भी पहले PTI में से थे। तो आपको पहले भी ये इसकी गुजारिश कर चुका हूँ कि भी कुछ हर बंदा अपने अपने वो हल्के को जवाब दे होता है। हमारा हल्का एक ऐसा है, हमारा ये जो ज़िला भावलपुर है उसका जी ये 174 या 166 है, इसकी सब की इसके ऊपर नज़रें होती हैं, यहाँ पे इस हल्के के बाहर भी वो मुदाखलत होती है, तो उस वजह से ये फिर आपस के इनके क्लैश और ये सारा कुछ होता है इनका। तो इसमें इफ्तिखार हसन गिलानी साहब का मुकाबला पहले भी बताया था कि अपने भांजे से है मखदूम सैयद आमिर अली शाह साहब से, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनकी पोस्ट के ऊपर जो इस वक्त करंट पोजीशन है वो मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब साबिक वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, 2 दफ़ा MNA मुंतखब हो चुके हैं, वो पब्लिकली वो इन सब से स्ट्रांग हैं, जो एक न्यूट्रल तरीके से देखा जाए उनकी आमिर अली शाह साहब की पोस्ट के ऊपर मखदूम अली हसन गिलानी साहब है, और मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब जो हैं वो माशाल्लाह वो खान वसदात गिलानी के बुजुर्ग भी हैं। मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी, वो उनके ऊपर टिक्का या किसी जमात का होना ना होना कोई मानी नहीं रखता, वो उनकी शख्सियत ही ऐसी है, लोग उनका एक
वो क्या समझ लें आप, इस तरह एहतराम करते हैं, कोई उनके रिस्पेक्ट है, लोग उनको नहीं करने में इनकार करने में 100 बार सोचते हैं, उनको अपनी शख्सियत का और अपने वो बुजुर्गी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इन दोनों का मुकाबला जो है वो 19-20 होगा, और बाकी रही ये क्या नाम है N174 या N166 जो मौजूदा है, इसके ऊपर मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और ये नवाब बहावल अब्बास अब्बासी और ये अली हसन गिलानी के दरमियान है, कांटेदार मुकाबला है, लेकिन होगा मुकाबला इन दोनों भाइयों के साथ, ये दोनों भाई हैं अली हसन गिलानी और ये समी हसन गिलानी साहब, ये मखदूम ज़्यादा मखदूम से वली मुख्तार हसन गिलानी साहब के दोनों बेटे हैं, चश्म चुराग हैं, और अब देखें ये अल्लाह बेहतर जानता है कौन किस जमात में वो कंटेस्ट करता है, तो थोड़ी सी अफवाहें उड़ाई गई थी, जैसे हर कोई अपना वो सियासी स्टंट खेलता है कि वो अली हसन गिलानी साहब जो है वह पीपल पार्टी को वो छोड़ रहे हैं, तो उनका फिर वो एक मीडिया को उन्होंने अपना बयान भी दिया है, मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मैं पीपल पार्टी का हिस्सा हूँ और रहूँगा और उसी प्लेटफार्म से इलेक्शन में कंटेस्ट करूँगा। तो अब ये देखें कि भी जिसने काम किया है, सीधी बात है अली हसन गिलानी के काम बोलते हैं, लोग उनको रेस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, वो ध्या तो उन्होंने बिला तफीक काम किया है, तो मैं सपोर्ट करने की बात किया, हाँ सपोर्ट एक नून लीग से, हाँ तो MNA उसी समय करने और MP उनके चाचू, तो तरीके इंसाफ ये देखें ये सपोर्ट ये अब ये तो हमारी क्या असर आई है ना, हो सकता है ये आने वाले वक्त में ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसको लोग ये ना कहें कि जी मैंने ये जो है शोर का खत्मी कर दिया है, हो सकता है ये फिर किसी एक जमात में चले जाएं, या हो सकता है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से ही रहें, ये फिर सियासी हिसाब से देखा जाएगा कि भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल अगर अंदर की खबर बता दें आपको तो मैं बिला झिझक आपको कह रहा हूँ, फिलहाल ये एक दूसरे को सपोर्ट करते नज़र नहीं आते बिल्कुल। मैं अभी गुज़श्ता रोज़ ईद के त्यौहार का वो दिन था, मेरी मुलाकात इन तीनों हज़रात से हुई है, फिलहाल तो ये मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब PTI के साथ वो बिल्कुल मुखलिस हैं, सीरियस हैं, और समी हसन गिलानी साहब वो देख रहे हैं कि भी उनको जो PTI का नुकसान हो रहा था वो अब अहमदपुर शरका शहर से जो उनका मुस्लिम लीग नून का जो है एक वो महाजर बिरादरी समझ लें जो भी एक उनका है नजरियाती वोट है, उनकी सपोर्ट उनको मिल रही है, जिस वजह से अब वो जो है वो भी कॉन्फिडेंट हैं कि भी मुझे मेरा वोट लॉस नहीं होगा, मैं मुकाबला करूँगा। ओके सर, ये तो अगला सवाल करते हैं हमारे खान साहब से, पूछते हैं कि जैसा कि गर्मी का टम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, पानी भी कम हो रहा है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो इनका हल क्या है? जैसे कि बलूचिस्तान में जानवर भी मरे हैं पानी की वजह से, दरख्त ना होने की वजह से, घास ना होने की वजह से, तो उनका हल क्या है? तो ये फैज़ल खान साहब से पूछते हैं। जी खान साहब, शकील भाई सबसे पहले जो ये है कि दरख्त लगाने की जो हमारे पास शरह है वो बहुत ही कम है, ये भी एक तालीम का ही फुकदान आप कह लें कि माशरे में ये चीज़ शोर नहीं पाया जाता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए इस मामले में ताकि जो ज़ेर ज़मीन हमारा पानी है वो स्टोर हो सके, जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी सतह जो है वो मुसलसल नीचे से नीचे जा रही है, तो जितना भी हमें किस वजह से पानी जो है वो मुख्य उसके अवामिल हैं, एक तो दरख्त ना होने की वजह से शार्टेज है, ठीक है, दूसरा ये है कि जितना गर्मी बढ़ रही है ठीक है, वो रिसाइकल होता है ना पानी, बुखारात बन ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो ये सारे इसमें बारिशों का ना होना जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी अर्से बाद अब इस दफ़ा जो है वो बारिशें बड़े लंबे वक्फे के बाद हुई हैं, आप देख लें ये जो शहर हैं क्वेटा है जैसे बलूचिस्तान की बात आपकी, तो वहाँ से ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो मुसलसल जो है वो कम होता जा रहा है, नीचे से नीचे होता जा रहा है, तो ये दरख्त लगाने चाहिए हमें तो पानी जद हो जाएगा, वो रिस्टोर होगा, रिस्टोर वो पानी की सतह जो है वो इतना ज़्यादा नीचे जो है वो नहीं जाएगी, या इससे कम से कम आप ये कह दें कि बेहतरी ज़रूर होगी, बदकिस्मती से डैम नहीं बनाए जा सके हमारे पाकिस्तान बनने के बाद, अब ये लास्ट कुछ ईयर से काफ़ी डैम के प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। जी तो दोस्तों, आप सब ने हमारा प्रोग्राम देखा सुना, तो हमें सब दोस्तों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है और सब ने बताना है कि हमारा कैसा प्रोग्राम है, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे सीनियर साहब ये अहमद रहमान साहब, शमीम अख्तर साहब और फैज़ल खान साहब, तो हम सब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।